हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आप सब ने मीठा हलवा तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन कभी बेसन और हरी मिर्च से बना हुआ हलवा नमकीन खाया है? कभी नहीं खाया होगा शायद। तो चलिए आज हम बनाएंगे नमकीन हलवा, तो बनाते हैं इसे। नमकीन हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी बेसन की और थोड़ी सी हरी मिर्च। देखिए मैंने गैस जलाकर कढ़ाई रख दी है। अब इसी में ये जो मैंने बेसन लिया था वो मैं डाल दूंगी। इसमें अभी कुछ भी तेल नहीं डालना है, खाली बेसन को इसी गर्म कढ़ाई में हल्के हल्के सेकना है। देखिए बेसन हल्का सा भून चुका है, सिर्फ इसे एक मिनट के लिए ही भूनना है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बेसन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। गैस जलाकर मैंने कढ़ाई रखी है, इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। तेल गर्म हो चुका है, इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। जीरे का कलर ब्राउन हो चुका है, इसी में मैं अब डाल दूंगी ये कटी हुई हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। आंच को रखना है धीमा। मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अब ये जो हमने बेसन भूना था ये इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इसी तरह से एक मिनट के लिए चलाते हुए भून लेना है। जब इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए इस तरह से, तो इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे। इसको इसी तरह से दो मिनट के लिए हिलाते रहना है ताकि बेसन नीचे ना लग जाए। देखिए इसको इसी तरह से हिलाते रहना है। ये धीरे धीरे, बहुत पहले पतला था, अब ये इसी तरह से गाढ़ा होता जाएगा और एक हलवे की शेप ले लेगा। देखिए हमारा नमकीन हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। हमारा नमकीन हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहे इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना मत भूलिए।